बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शुप्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, शुप्रा ब्लॉग जोन। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो गाइस, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज है दिवाली का दूसरा दिन, जैसा कि सेलिब्रेशन जा रही है, तो बस जा रही हूँ अपनी भाभी के घर। तो हम लोग आज हाउजी खेलने वाले हैं। तो 4-5 दिन की छुट्टियां रहती है, तो हम लोग सारी फैमिली मेंबर्स जो है ना, बस मिलके खूब इंजॉयमेंट करते हैं जी तोड़ के। तो बहुत मजा आने वाला है। तो बस भाभी के घर चलती हूँ मैं और वहां पर हम लोग हाउजी खेलेंगे। तो आप लोगों को मिलवाती हूँ सबसे। स्टे ट्यून्ड, हाँ, ब्लॉग स्किप मत करिएगा। चलिए मैं आप लोगों को वहां चल के मिलती हूँ। सो गाइज, हम लोग यहाँ हाउजी खेलना स्टार्ट कर दिया था हमने, और मैं इसमें एक ग्राउंड में हार गई थी। तो बहुत मजा आता है हाउजी खेलकर, इसे तंबोला भी कहते हैं गेम को। और आप लोग ना कब छुट्टियों में जब फ्री होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, तो कौन सा गेम खेलते हैं या फिर क्या करके टाइम स्पेंड करते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट करके। हम लोगों के यहाँ तो होली भी हो गई ना, होली में भी जब हम लोग मिलते हैं आपस में, हम लोगों के यहाँ होता क्या है ना, जैसे होली भी होती है तो अपना एक डिसाइड कर लेते हैं एक दिन किसी के घर पे गैदरिंग, उसके बाद किसी के घर पे। तो ऐसे होता है ना, सबके घर पे सब लोग आते भी हैं और मजा भी आता है, टाइम भी स्पेंड होता है, तो बहुत अच्छा भी लगता है। देन दिवाली में भी ऐसे ही करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, सबके घर में सब लोग आते हैं और बहुत मजा आता है। तो ये हम लोगों का फेवरेट गेम है, हम लोग सारी फैमिली मिलके ये गेम मोस्टली खेल ही लेते हैं। दशहरा वगैरह में भी, मतलब जो साथ में होते हैं और फ्री टाइम होता है ना, तो ये गेम जब तक ज्यादा लोग नहीं होते ना, तो इस गेम में मजा भी नहीं आता है। ज्यादा लोग होते हैं और सब लोग अपना मनी से खेलते हैं ना, कलेक्ट कर लेते हैं अमाउंट, उसके बाद जब लास्ट में प्राइज मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। अरे वो मतलब 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, लेकिन जब उसको जीतते हैं ना, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। और हार जाते हैं तो उसका भी गम हो जाता है, या 10-20 रुपए का भी गम हो जाता है। लेकिन ये होता है ना, गेम में मजा बहुत आता है, क्योंकि गेम होता है तो बहुत अच्छा लगता है। जीतने की भी अलग क्रेज होता है और हारने का भी अलग वही होता है। और असल में क्या होता है ना, सब बच्चे उच्चे भी छुट्टी रहती है सबकी, तो सब बड़े बच्चे और हम लोगों के मतलब मोहल्ले में भी जितने हम लोग फ्रेंड्स वगैरह हैं, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो साथ में खेलते हैं। जितने ज्यादा लोग होते हैं उतने ज्यादा देर तक ये गेम भी चलता है और मजा भी आता है। तो आज अतिशा भाभी के घर में हम लोगों का झुंड आज वहां पर इकट्ठा था। अब 5 दिन की छुट्टी है तो आदमी करे भी क्या, तो यही सब होता रहता है, बहुत मजा आता है। तो गाइज, आप लोगों को अगर ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में नीचे आपको देखिए ब्लैक कलर की बटन दिख रही होगी, उसमें लिखा होगा सब्सक्राइब, बस उसको क्लिक करिए और सब्सक्राइब हो जाएगा। देन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो प्लीज गाइस, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देन ये दिवाली का दूसरा दिन और ब्लॉग जो है वो लेट हो गया है, वो हो जाता है, टाइम नहीं मिल पाता कभी कभी रिमिक्सिंग का। और आजकल थोड़ा बिजी रूटीन चल रहा था, क्योंकि आना जाना लगा था तो टाइम मिल नहीं पाया, इसलिए ब्लॉग लेट हो गया। तो गाइस, गेम यहाँ पर हमारा खत्म हो गया था, और जब ये गेम खेलने बैठते हैं तो ना टाइम पता नहीं चलता है। लोग समझ लीजिए 2-3 बजे से बैठे थे गेम खेलने, और खेलते खेलते हम लोगों का 6 बज गए थे शाम के, क्योंकि फिर टाइम पता नहीं चलता है ना, कोई भी गेम होता है उसमें अगर लग जाओ तो फिर टाइम पता नहीं चलता है। 6 बज गए थे शाम के, और यहाँ बन गई थी फिर चाय, और हम सब इंजॉय करने लगे थे चाय।
और चाय का भी एक अलग ही मजा होता है जब साथ में सब लोग होते हैं, तो जो चीज अच्छी नहीं लगती वो भी अच्छी लगती है। और मुझे तो बहुत पसंद है चाय, तो मैं तो पी लेती हूँ। और अब सर्दियां आ रही है, मौसम चेंज होने लगा है, तब तो मैं जरूर पी लेती हूँ। ऐसा कोई मैं डाइट वाइट नहीं करती इतना कि चाय नहीं पीनी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को चाय पसंद है कि नहीं? मुझे बहुत अच्छी लगती है, बस हाँ इतना ज्यादा एडिक्टेड नहीं हूँ, बट हाँ मॉर्निंग में चाहिए और शाम को पी लेती हूँ, और नहीं भी पीती तो कोई बात नहीं, बट हाँ अच्छी लगती है। और जब सब साथ में मिलते हैं तो फिर चाय के बहाने गपशप होती है, खाना पीना होता है, बहुत अच्छा लगता है। देन यहाँ पर हम सारे घर के लोग बैठ गए थे, चाय वगैरह पीने लगे थे। देन उसके बाद चाय हमारी हो गई थी डन, फिर हम लोग चले गए सब लोग अपने अपने घर, क्योंकि शाम हो गई थी तो दिया बाती का टाइम हो गया था। भगवान बैठे हैं घर में तो उनकी पूजा करने चले गए थे, लाइट्स वगैरह सब। उसके बाद भाई दिवाली चलती है 5 दिन तक, तो पटाखे भी चलने चाहिए ना, एक दिन में तो मजा आएगा नहीं, तो 5 दिन पटाखे भी कंटिन्यू रहने चाहिए। तो घर पे हम लोग ने स्टोर करके रख लिए थे पटाखे बहुत सारे, और हम सभी फैमिली मेंबर्स लग गए थे फिर पटाखे छुटाने, क्योंकि दिवाली वाले दिन उतना टाइम मिल नहीं पाया था, तो उतने ढंग से पटाखे वगैरह नहीं छुटा पाए थे। पूजा करते करते लेट हो गया था, फिर सबसे मिलना जुलना, तो पटाखे उतना ज्यादा नहीं हो पाया था, तो मैंने सब लोगों ने आज मिलके फिर एंजॉय कर लिया था। देन पैराशूट वगैरह जला लिया था, और बहुत अच्छा लगता है सब करने में। और फेस्टिवल, दिवाली का फेस्टिवल तो बहुत अच्छा लगता है, कितनी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, कैंडल्स होती हैं, लाइट्स होते हैं, दिया होते हैं, तो स्वीट्स होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मेन सब 5 दिन तक ये चलता है ना फेस्टिवल, तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। हे गाइस, तो मैं बस अभी भाभी के घर से जस्ट आई हूँ, तो चाय वगैरह पी ली हम लोगों ने और नाश्ता वास्ता कर लिया। देन उसके बाद पटाखे वटाखे सब छुटाए, बहुत मजा आया। तो हस्बैंड लोग आज सब बाहर खाना खाने वाले हैं, तो हम लोगों की छुट्टी है आज खाने की, तो मैं तो आधी रात भी बाहर ही खा लेगा। तो हम लोगों को लेडीज लोगों का खाना है जो, तो हम लोग का कुछ खाने का मन नहीं था, पेट भरा भरा सा था, अभी शाम को चाय वगैरह भी हो गई थी और नाश्ता भी हो गया था, मिठाई वगैरह चल रही है, तो पेट मतलब काफी हैवी हो जाता है ना फेस्टिवल में, देख देख के ही जो होता है ना मन भर जाता है। तो बस अब मैं अपने लिए जाऊंगी, थोड़ा सा ओट्स बना लूंगी, देन इसके बाद आराम करूंगी, क्योंकि अब इधर सबने ही खूब काम किया है। मैं ऐसा नहीं करेगी मैंने ही बहुत काम किया, बट हाँ दिवाली थी तो हर कोई काम करता है, तो अब टाइम है थोड़ा सा आराम करने का, इंजॉय करने का। तो बस इंजॉयमेंट हो गई है, अब जा रही हूँ आराम से रेस्ट करूंगी, कोई काम नहीं, बढ़िया फुर्सत से। और दिए सब जला दिए मैंने, पूजा वूजा सब शाम की हो गई है, तो अब फुर्सत हूँ, ज्यादा कोई काम नहीं है, तो जा रही हूँ अच्छे से रेस्ट करूंगी। तो गाइज, चैनल पर हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अब कल है, कल बनेगी 56 भोग की सब्जी, और तो कल भी गैदरिंग होगी, सब लोग साथ में एंजॉय करने वाले हैं, तो कल का ब्लॉग में आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो अभी मैं यार ब्लॉग ये ब्लॉग खत्म कर रही हूँ, तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, सी यू सून। कमेंट करके जरूर बताइएगा ब्लॉग कैसा लग रहा है आपको। बाय।